बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बाद उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एनडीए और प्रधानमंत्री को लेकर के बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए में कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन लोग हैं तो उन्होंने उनका नाम लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खीर वाले बयान पर भी सफाई दी, साथ ही उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की। महागठबंधन में जाने को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम पीएम मोदी को खीर खिलाने वाले हैं। उन्होंने 2019 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनना है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों खीर पॉलिटिक्स को लेकर के खूब चर्चा में है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरएलएसपी की ओर से आयोजित दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन शनिवार से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि समाज में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना चाहते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरएलएसपी का जो अगला कार्यक्रम है वो पैगामे खीर का है, जो 25 सितंबर से पटना में शुरू होगा। सीटों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी और कोई विवाद भी नहीं है। अपने पिछले बयान को स्पष्ट करते हुए और पैगामे खीर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यदुवंशियों का मतलब कुशवंशी होता है और कुशवंशी रामवंशी होते हैं। यही रामवंशी और कुशवंशी मिलकर खीर बनाएंगे।